एंड वेलकम टू मेरी किचन। मैं हूं नेहा। आज हम बनाएंगे मसाला ऑमलेट। ये बनाना बहुत आसान है, तो आइए देख लेते क्या क्या चाहिए बनाने के लिए हमें। तो मैंने लिया है यहाँ पे 2 अंडा, थोड़ा सा टमाटर बारीक कटा हुआ, थोड़े से बंद कोई बारीक कटे हुए, थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती बारीक कटी हुई, एक प्याज बारीक कटा हुआ, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई। और मसालों मैंने लिया है यहाँ पे 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, चिली फ्लेक्स, बनाने के लिए तेल। आइए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम कोई भी एक बाउल और अंडे को सबसे पहले फोड़ लेते हैं। तो हम दोनों अंडे को फोड़ लेंगे। तो सबसे पहले हम अंडे को थोड़ा सा फेंट लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे फेंट लिया है। अब डाल देंगे इसमें हम ये सारी सब्जियाँ। तो डालते हैं हम यहाँ पे बंद गोभी, हरी मिर्च, प्याज, धनिया पत्ती, टमाटर, और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। अब डाल देंगे इसमें हम ये धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। अब डाल देंगे इसमें हम चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स ऑप्शनल है, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है आप नहीं डालिए, मुझे तीखा ज़्यादा पसंद है तो मैं यहाँ पे चिली फ्लेक्स का भी यूज कर रही हूँ। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ इसे अच्छे से फेंट दिया है। तो मैं ले लिया यहाँ पे एक पैन। पैन को हम थोड़ा पहले गर्म कर लेंगे। तो पैन गर्म हो चुका था, मैंने डाल दिया यहाँ पे 1/2 चम्मच तेल। तेल को भी हम गर्म कर लेंगे। तेल भी हमारा गर्म हो चुका है, हम गैस का फ्लेम अभी लो करते हैं और डाल देंगे इसमें हम ये ऑमलेट का बैटर। तो मैंने यहाँ पे इसे डाल दिया है। अब इसे हम एक तरफ अच्छे से पकने देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। अगर हम हाई रखेंगे तो ये नीचे जल सकता है, तो हम गैस का फ्लेम मीडियम रखते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रही हूँ जीरा पाउडर, क्योंकि मुझे जीरा का फ्लेम काफ़ी पसंद है। तो मैं जीरा पाउडर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रही हूँ। आपको नहीं पसंद आप यहाँ पे इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ये नीचे से हल्का पक चुका है, तो हम इसे साइड से निकाल लेते हैं। अब इसे हम सावधानी से पलट दूसरी तरफ से पका लेंगे। तो हम इसे दूसरी तरफ से पकने के लिए छोड़ देते हैं। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। तो ये अच्छे से शायद पक चुका है, हम इसे पलट कर देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे पलट दिया है और ये शायद पक भी चुका है। तो तैयार है हमारा मसाला ऑमलेट। आप भी मेरी रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। और हमेशा की तरह अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मुझे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।